ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, यूट्यूब चैनल स्वस्थ रक्षा से मैं प्रभा भारती आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उज्जाय प्राणायाम के। उज्जाय प्राणायाम गले के लिए, थायराइड के लिए, टॉन्सिल के लिए और हार्मोनल को बैलेंस रखने के लिए ये ग्रंथि बहुत कारगर होती है। मित्रों, इसको ठीक रखना ये हमारी जिम्मेदारी है और यदि इसका अभ्यास ठीक से किया जाए तो हमने सुना है कि भूख और प्यास पर भी नियंत्रण ले आती है, तो वहां से इसका महत्व, इसकी अहमियत हमें समझ में आती है। ये कैसे करना है? मित्रों, हमने अभी तक जिन प्राणायामों के बारे में चर्चा की है उसमें एक बात स्पष्ट है कि सांस लेते समय ये बाहर आता है, छोड़ते समय अंदर जाता है, ये सबको पता है। जब हम उज्जाई करते हैं तो हम सांस अंदर भरते हैं, लेकिन वो सांस भरते समय गले को अंदर से खींचा जाता है, उसके बाद जीभ को तालू से लगा के सांस भरी जाती है। कैसे? अंदर चला गया। अर्थात यदि आप गलती करेंगे, कंधे उठ गए, तो आपका ये पूरी प्रक्रिया उल्टी हो जाएगी। जैसे कंधे उठ गए, ये अंदर चला गया और सांस छोड़ेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, ये गलत हो गया, ये नहीं करना। तो जब तक सांस सामान्य नहीं आएगी और आप पहले प्राणायाम नहीं करेंगे तब तक उज्जाय ठीक से नहीं होगा, इस बात का खास ध्यान रखिए। और जब आप इसकी शुरुआत करेंगे तो आप इतना लंबा नहीं ले पाएंगे, आप इतने से शुरुआत करिए। उसके बाद धीरे धीरे इसका अभ्यास लंबा का होगा। कैसे? कोई भी चीज बलपूर्वक नहीं करनी। बलपूर्वक करने से वहां खिंचाव या दबाव जो पड़ेगा उसमें उसको नुकसान होगा, इस बात का हमेशा हर जगह ध्यान रखना है आपको। कुछ भी करें दबाव में नहीं, खिंचाव में नहीं, एक सामान्य स्थिति में करें और जितना सामान्य करेंगे उतना वो सही होगा और उसका अनुभव आपको भी अच्छा आएगा। मित्रों, इसलिए ध्यान ये रखना है कि कैसे सामान्य सांस पे खींचना है। इसमें सांस खींचनी है मित्रों, क्योंकि गला पूरा अंदर कर देना है। जीभ तालू से लगा दी ऐसे और कंधे नहीं उठेंगे, देखो कंधे नीचे नहीं गए। बराबर है, इस बात का खास ध्यान रखना है। उज्जाय प्राणायाम कैसा लगा आपको मुझे जरूर बताएं मित्रों, 9699 7914 पर। धन्यवाद। वंदे मातरम।